अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 मई 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18 और 2019 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दी कि मई और जून में परीक्षा फिलहाल संभव नहीं है और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुहिम तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पर बच्चे कैंपेन करने की सोच रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया रहेगा, तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी जो प्रमोट की मुहिम हो वो और तेजी से आगे बढ़ सके। तो दोस्तों लिंक दिया गया, उसके माध्यम से जाकर आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तृतीय सेमेस्टर की, आप लोग परीक्षा की तैयारी करें या चतुर्थ सेमेस्टर की, उसको देखेंगे। और गाइस, अगर आपको चतुर्थ सेमेस्टर ठीक है पढ़ने के लिए दोस्तों लिंक चाहिए, तो अभी आपको हम वीडियो के अंत तक व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है यहाँ पर यह है कि क्या फिर से पीएनपी की लेट लतीफी से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी हमारा मई का महीना चल रहा है, फिर जून आएगा, फिर दोस्तों जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा जितना दोस्तों ज्यादा देर किया जाएगा उतना ही ज्यादा आपका नुकसान होगा। पिछली बार क्या हुआ था, जब आपको दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था तो काफी ज्यादा देर से किया गया था, जिसके बाद दोस्तों आपका जो सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको जो पढ़ने का समय मिला वो काफी कम मिला था, जिसके कारण दोस्तों आपको बता दें 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। देखिए गाइस, एक यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर ये होने वाली है ना कि 70,000 से अधिक फेल छात्रों का क्या होगा। देखिए जब पिछली बार दोस्तों 2018 बैच की अगर हम बात करें तो जितने बच्चों की बैक लगी थी ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, तो गाइस उन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया था। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 2019 बैच के जितने भी छात्र हैं जिनकी बैक लगी हुई है, अगर प्रमोट का मुद्दा आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्रों को ही ये प्रमोट करेंगे। तो पिछली बार दोस्तों लाठी डंडे काफी दिक्कतें हुई, लेकिन लास्ट तक बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया और उसके बाद तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होती है जिसमें दोस्तों हजारों बच्चे फेल हो जाते हैं। अब इन बच्चों के साथ क्या दिक्कतें हुई, ये बच्चे भी अंतिम समय तक सोचे कि यार हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर पीएनपी को जल्दी से जल्दी मतलब क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर ये प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे, या दोस्तों पीएनपी लिखित में स्पष्ट जवाब दे दे कि आखिर ये प्रमोट ना करे तो भी ठीक है, कर दे तो भी बढ़िया है। एक और बात दोस्तों कि क्या चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2019 बैच में जब आपको प्रमोट किया गया था वो सेकंड सेमेस्टर के आधार पर फर्स्ट में प्रमोट किया गया है। देखिए अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट वैसे घोषित नहीं हुआ, लेकिन देखिए इस समय जो हमारा कैंपेन चलेगा प्रमोट का, वो दोस्तों सिर्फ इस बात पर आधारित रहेगा कि पीएनपी आपको प्रमोट करेगी या नहीं। अगर दोस्तों पीएनपी की तरफ से ये जवाब आ जाता है कि ये आपको प्रमोट करेंगे, समझिए पहले इस बात को ठीक है, अगर दोस्तों प्रमोट करने के लिए पीएनपी कह देती तो आप लोग बेफिक्र होके फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन दोस्तों प्रमोट करने की बात नहीं होती तो आप लोग थर्ड की तैयारी कर सकते हैं। देखिए कुछ और अपडेट, आपको आखिर ये प्रमोट क्यों करेंगे। देखिए दोस्तों, एक अपडेट आपने देखी होगी कि स्नातक द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के जो छात्र हैं बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपडेट आई थी, अगर आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के अपडेट को देखा होगा तो वहां पर भी दोस्तों शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है प्रमोट करने को लेकर, तो शासन अंतिम निर्णय लेगा। तो गाइस ये प्रमोट की अपडेट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आ रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पीएनपी को भी चाहिए कि ये अपना जो रुख है ना वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर दे, क्योंकि आपका 2 साल अब पूरा होने वाला है। देखिए गाइस, सीबीएसई में 10वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, कितनी जल्दी ये अपडेट आ जाती है। आप लोग को प्रमोट करना काफी आसान है क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उसी के बेसिस पर ये आपको प्रमोट कर देंगे। अब देखिए जितने बच्चे सोच रहे हैं यार कि स्कूटनी वाला रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है अभी दोस्तों पीएनपी को सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ये आपको प्रमोट करेंगे या नहीं, ठीक है। बाकी जो आपका प्रमोट का रिजल्ट आएगा वो अभी नहीं आएगा, जैसा कि अभी आपको पता है कि दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट आज तक नहीं आया, 1 साल बीत चुका है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये थर्ड में भी प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर भी समय लगेगा, लेकिन जब आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो उससे पहले हर हालत में आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होना जरूरी होगा। बिना थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट के फोर्थ सेमेस्टर का आपका पेपर
नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 24 घंटे में दोस्तों क्या हाल है कोरोना की, जरा उसको हम पहले आपको बता दें कि प्रमोट की मांग आखिर हो क्यों रही है। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 4,14,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, 3,920 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मरने वाला को दोस्तों आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया, 2 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश में कोरोना के मामले हो चुके हैं। अब देखिए दोस्त एक और अपडेट, ये कांग्रेस की तरफ से अपडेट आई। जी हाँ दोस्त, इनकी भी बातें सुन लिया करिए। योगी सरकार के झूठ का हाई कोर्ट ने किया पर्दाफाश, सरकार ने दोस्तों खाली पेट दिखाए, हाई कोर्ट ने फोन करवाया तो सामने आ गई सच्चाई। अपनी छवि बचाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोलती जा रही है भाजपा की सरकार। तो गाइस आप लोग बच के रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको ये लगता है भैया ऑनलाइन दिखा रहा कि अरे हाँ वहां पर तो 100 बेड खाली हैं, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है, हाई कोर्ट ने कॉल करवा दिया, उसके बाद पता चलता है कि बेड खाली नहीं है। तो इस बात को जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। आप अपनी हर एक मुहिम को दोस्तों अच्छे से चलाना। इस समय इस बार इतने लोगों की जान गई है ना, एक रिकॉर्ड बन गया गाइस, कि पिछली बार क्या था, कम से कम लोगों की जान तो नहीं जा रही थी। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने पहले रख दे, देखिए तीसरी लहर के लिए तैयार रहे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का भी ये सेकेंड राउंड चल रहा है, इसके बाद थर्ड राउंड भी आएगा। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 2021 में बच्चों के स्कूल खुलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड राउंड होगा वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगा, मतलब 0 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ये राउंड ज्यादा खतरनाक होगा जो थर्ड राउंड आएगा। तो इस अपडेट को भी देखेंगे। उसके बाद देखिए पीसीएस 2021 प्री परीक्षा टलवाने की मुहिम तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना काल में पेपर बच्चे देने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इस बार इतने ज्यादा यंग लड़कों की भी जाने गई है ना, तो डर तो सब में हो गया। एक और अपडेट, चयन तो हो गया, नियुक्ति फंसी है, प्रतियोगियों के भविष्य पर कोरोना संक्रमण रोड़ा पड़ा है, ठीक है, इस अपडेट को भी देखेंगे। देखिए कुछ और अपडेट गाइस, अपडेट क्या है कि पंचायत चुनाव की भेंट चढ़े 2,000 शिक्षक व कर्मचारी, सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। 2,000 शिक्षक और कर्मचारी दोस्तों कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं, ठीक है। पंचायत चुनाव पूरी मामला को भी देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस अपडेट को पहले देखिए। अगले माह तक हो जाएगी 5,100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया, ठीक है, काफी अच्छी बात है ये दोस्तों। जो वैकेंसी है ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद बचे थे उसी को आगे पूरा किया जा रहा है, ठीक है, कोई ये नई वैकेंसी नहीं है। इस अपडेट को पहले देखते हैं। अपडेट आई है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद का दावा है कि प्रदेश में 2,000 शिक्षक एवं कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भेंट चढ़ गए हैं। संघ ने सरकार से मृतक कर्मचारियों और शिक्षकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी का कहना है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हजारों की संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, इनमें से करीब 1,000 शिक्षकों और इतने ही कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित कर्मचारी और शिक्षकों के संपर्क में आए उनके परिवारजनों की भी मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव ड्यूटी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया गया, संक्रमित शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर उपचार भी नहीं मिला। तो दोस्तों आप लोग भी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि योगी सरकार जो है, जो पंचायत चुनाव हुआ है दोस्तों, उसके कारण जिन भी टीचरों की जान गई उनको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, प्लस उनको घर में एक सरकारी नौकरी मिले, ठीक है। इसके लिए आप लोग को गाइस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके सीनियर हैं, आप लोग अभी जूनियर है, कल को आप भी टीचर बनेंगे। देखिए गाइस उसके बाद अपडेट, शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें करीब एक सप्ताह पहले 700 से अधिक मृतक शिक्षकों की सूची सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत मृतकों के परिवार जन को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। देखिए एक बात और आपको बता दें, आप हो सकता है कि आप लोग को 50 लाख रुपए ज्यादा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर इंसान अपने शरीर का अंग भी बेचने निकल जाए तो 50 लाख से ज्यादा बिक जाएगा। तो गाइस किसी की जान गई है तो फिलहाल यहाँ पर सरकार को संवेदना दिखाना चाहिए और तुरंत के तुरंत जो भी दोस्तों डिमांड की जा रही है उसको पूरा करना चाहिए। उसके बाद चयन तो हो गया, नियुक्ति फंसी है। अपडेट है प्रयागराज से, प्रतियोगियों के भविष्य पर कोरोना संक्रमण रोड़ा बन गया है। कोरोना के कारण भर्ती परीक्षा लगातार स्थगित हो रही है, वही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया भी सुस्त है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग ने कई भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। दफ्तरों में कर्मचारियों की कम मौजूदगी के कारण नियुक्ति देने की प्रक्रिया अपेक्षा से काफी धीमी चल रही है। इससे क्या हो रहा दोस्तों कि चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में फंसा है। यूपीपीएससी ने पिछले कुछ महीनों में कई परीक्षाओं का परिणाम जारी किया है, लेकिन उसके चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ठीक है दोस्त, ये अपडेट थी। उसके बाद देखिए अपडेट आई है प्रयागराज से कि पीसीएस की प्री परीक्षा टलवानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी एकजुट हो गए हैं। प्रतियोगी मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम व आयोग के अधिकारियों को ईमेल से पत्र भेजकर परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया में सुनो प्रतियोगियों की व्यथा नामक मुहिम चलाई जा रही है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रतियोगियों ने जल्द आयोग के सचिव से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्त, ये बड़ी अपडेट है। तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। अपडेट आई है नई दिल्ली से। विशेषज्ञों की ओर से दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही आशंका को देखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को कोरोना ठीक है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए इस वर्ग के भी वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना और व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अगर बच्चा कोरोना ठीक है अस्पताल जाएगा तो उसके साथ माता पिता भी जाएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली के मतलब दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, लेकिन दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। केंद्र ने ऑक्सीजन ऑडिट की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने पर भी जोर दिया है। गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि 4 मई को दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में किए गए सर्वे में पता चला कि उनके पास ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। यह भी दोस्तों ध्यान दिलाया कि आपूर्ति की गई 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का अभी विवरण नहीं हुआ है, यानी ऑक्सीजन टैंकर अभी खाली नहीं हुए हैं। ऐसे में दोस्तों भविष्य की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। मेहता ने कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत से ज्यादा है। तो गाइस ये अपडेट है। ठीक है, देखिए आपको बता दें बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक, उनके वैक्सीनेशन की भी जरूरत है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली को दी है 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। तो गाइस ये सब अपडेट है। बाकी केंद्र सरकार पर आप लोगों को कितना भरोसा है, मोदी सरकार पर, आप लोग खुद ही भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पता होगा गाइस। ठीक है, उसके बाद अगले महीने तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। ठीक है, अच्छी अपडेट है। तो गाइस ये सारी अपडेट आपने आज देख ली। तो फिलहाल अब इस समय दोस्तों जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उसमें सबसे बड़ी अपडेट आपकी होगी स्कूटनी का रिजल्ट और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की अपडेट। फिलहाल आपको बता दें जिन बच्चों की बैक वैक लगी है, जो बच्चे बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं उनको अब प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन केस दोस्तों अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आप पहले से फेल हुए हैं ठीक है बैक है, अगर दोस्तों जब तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट भी किया जाएगा तो जितने बच्चे फेल होंगे उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस बात को जरा आप ध्यान में रखेंगे, प्रमोट सिर्फ दोस्तों सेमेस्टर के छात्रों को किया जाता है। एक बात और आपको बता दें, इसको समझ लीजिए, काफी बार पिछली बार मतलब बच्चे कंफ्यूजन में थे। अगर दोस्तों आप 2018 बैच के छात्र हैं और आपकी कभी सेमेस्टर बैक लग गई थी, या जैसे भी दोस्तों अगर आप इस समय थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, अगर आप दोस्तों दूसरे तरफ 2019 बैच के छात्र हैं और आप लोग थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, अगर दोस्तों प्रमोट की बात बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। भले दोस्तों आप 2018 बैच के छात्र हो, आप भले सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो, कोई बैक नहीं है, तब भी दोस्तों 18 बैच के छात्रों को ये प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें होती है कि कौन से बच्चे प्रमोट होंगे कौन से बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। देखिए अभी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलेगा ठीक है प्रमोट करने को लेकर, तो आप लोग अपनी बात अभी से सामने रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप अपनी बात अभी से सामने रखेंगे तो जो भी अपडेट्स निकल कर आएगी वो अपडेट सही से पहुंचेगी पीएनपी तक। अगर इसमें कुछ संशोधन करना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वही दिक्कतें आएंगी। ठीक है, बाकी अगर आप दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, तो फिलहाल आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8738 07 ठीक है 9216। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, 87 38 07 92 16।
फिर से याद रखिए 87 38 07 92 16। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए आप लोग कॉल मत करिएगा, ठीक है, कॉल उठ नहीं पाती तो आप लोग बेमतलब का परेशान होंगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाई का लिंक चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर का भी दोस्तों लिंक चाहते हैं तो आप मैसेज करिएगा। बाकी देखिए आप लोग बुक से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। जो यहाँ से दोस्तों लिंक प्रोवाइड किया जाता है वो होता है ना कि कम समय में आप लोग अधिक से अधिक कैसे पढ़ सकते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन। अक्सर ये देखेंगे दोस्तों जब आप लोग का पेपर का समय आ जाता है आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते। ऐसे क्या होता है कि आप वीडियो को प्ले कर देंगे तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और काफी तेजी से दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल आपका पेपर मई और जून में फिलहाल संभव नहीं लग रहा, जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इस समय अगर आप हालात देख रहे होंगे तो लगभग काफी ज्यादा ऐसे परिवार है जहां पर सभी को सर्दी जुकाम खांसी कोई ना कोई समस्या बुखार से पीड़ित है। और कोरोना का लक्षण भी गाइस यही है कि भैया बुखार आ गया तो कोरोना हो सकता है, खांसी आ रही तो कोरोना हो सकता है, जुकाम है तो कोरोना हो सकता है। तो डर लोगों के अंदर है। फिलहाल आप लोग कोरोना की जांच करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं कोरोना है या नहीं, और उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप मेडिसिन लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नई नई तरह की बीमारियां चल रही है कोरोना टाइम में, छोटी सी लापरवाही आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है, ठीक है। मिलते हैं दोस्त एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी बैक पेपर की आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बैक पेपर में कोई प्रमोट काम नहीं आएगा, प्रमोट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में। बाकी देखिए मुहिम है सोशल मीडिया पर, देखते हैं क्या होता है। अगर अभी तक आपने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जो आपका स्कूटनी का रिजल्ट है थर्ड और बैक पेपर, कमेंट बॉक्स में लिंक दोस्तों दिया गया डेट शीट को लेकर भी, उसको भी आप चेक करते रहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।